हेलो दोस्तों, अभी हम लोग जानेंगे इस कंपनी के बारे में। फाइव डी भी लॉस दिखाई दे रही है, -7% लॉस दिया है। इसका 1 महीने में देख सकते हो, 1 महीने में भी रिटर्न दिखाई दे रही है, 18% रिटर्न। 6 महीने में देख सकते हो, 6 महीने में भी रिटर्न दिखाई दे रही है, 46% रिटर्न। 1 ईयर में देख सकते हो, 1 ईयर में भी रिटर्न दिखाई दे रही है, 24%। इसका वारंटी देख सकते हो, लॉस दिखाई दे रही है। ग्राफ का मूव भी ऊपर है, नेक्स्ट डे भी एक कंपनी गिरने के चांसेस है। मार्केट बहुत ज़्यादा ही डाउन में है और इससे ज़्यादा भी गिरने की बहुत ज़्यादा ही चांसेस है। 5 माह में भी बहुत ज़्यादा ही गिरने के चांसेस है। एंट्री करी हो तो लॉन्ग टर्म के लिए ही करना। 6 महीने पहले इसका प्राइस देख सकते हैं हम और अभी के टाइम 6 महीने में रिटर्न दी है, इतनी ख़राब भी नहीं है। और इसका मार्केट साइज देख सकते हैं हम, पी देख सकते हैं हम 10%। ओपन हाई लो देख सकते हो, तो आज के लिए ना।